हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है एम फॉर मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम एक से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का क्यूब कितनी आसानी से निकाल सकते हैं वह देखेंगे। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको यूं ही मिलती रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना आसानी से सीखना है तो उस वीडियो की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज उसे जाकर भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब निकालने के लिए हमें नंबर को चार हिस्सों में बांट लिया है। किस हिसाब से? फर्स्ट पैटर्न जो है हमारा, नंबर स्टार्ट्स विथ वन, मतलब 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। सेकेंड पैटर्न है हमारा, नंबर्स एंड विथ वन, एग्जाम्पल जैसे 21, 31, 41। थर्ड पैटर्न है हमारा सिमिलर नंबर, जिसमें दोनों नंबर्स एक जैसे होंगे, जैसे 22, 33, 44, 55 ऐसे। और फोर्थ लास्ट पैटर्न जो हो जाएगा हमारा डिफरेंट नंबर्स का, एग्जांपल 23, 35, 68, 72, 79 डिफरेंट नंबर्स के। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट पैटर्न से। फर्स्ट पैटर्न में हमने फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 12। तो 12 का क्यूब अगर निकालना है तो दोनों ही नंबर को एज इट इज सबसे पहले रख देना है, 1 और 2। अब हमें सेकेंड नंबर्स का कर देना है स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 4, और हमें वापस से सेकेंड नंबर का कर देना है क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब हमें फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, 2 का डबल कर देना है जो कि होता है 4, और यहाँ पे 4 का डबल कर देना है जो कि होता है 8। बस अब हमें इनको ऐड कर देना है, तो 8 एज इट इज आ जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1728। एक नंबर और लेकर देखते हैं हम, लेट से हम ले लेते हैं 14। 14 में अगेन हमने 14 को एज इट इज रख दिया। अब सेकेंड नंबर जो कि 4 है, 4 का कर देंगे स्क्वायर, 4 का अगेन कर देंगे हम क्यूब। अब फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देंगे, 4 का डबल कर देंगे जो कि होता है 8, 16 का डबल कर देंगे जो कि होगा 32। अब हम इन्हें भी ऐड कर देंगे, तो लास्ट नंबर एज इट इज 4, ये 6 कैरी हो जाएगा इधर, 16 प्लस 6 हो जाएगा तो हमें 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 13 हो जाएगा आपका 54। तो अगेन 4 यहाँ आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 और 8 17, 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 2744। तो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न में हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे 21। अगर हमें 21 का क्यूब निकालना है तो सेम जैसे हम फर्स्ट पैटर्न में कर रहे थे, हम आगे से चल रहे थे, अब सेकेंड पैटर्न में चूंकि 1 पीछे है तो हम पीछे से स्टार्ट करें, तो हमने 21 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अगेन सेकेंड नंबर यहाँ से देखिए पीछे से, तो ये आ रहा है, सेकेंड नंबर का हम कर देंगे स्क्वायर, अगेन सेकेंड नंबर का हम कर देंगे क्यूब, अगेन फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देंगे, इन दोनों नंबर्स का डबल कर देंगे, 4 का डबल हो जाएगा 8, 2 का डबल हो जाएगा 4, अगेन इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, तो 9261 इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक नंबर और लेकर देख लेते हैं हम, जैसे 31 का क्यूब। अगेन 31 का क्यूब निकालना है तो दोनों नंबर्स को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, इधर से देखें तो सेकेंड नंबर ये आ रहा है, इस नंबर का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसी नंबर का हम कर देंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अगेन फर्स्ट टू लास्ट नंबर को हम छोड़ देंगे, इन दोनों नंबर्स का कर देंगे डबल, तो 9 का डबल हो जाएगा 18, 3 का डबल हो जाएगा 6, अगेन इनको ऐड कर देंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 18 और 9 हो जाएगा आपका 27, का 7 यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, 27 और 2 हो जाएगा 29। तो देखा दोस्तों कितना आसान है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। तो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं सिमिलर नंबर्स का क्यूब निकालना। सिमिलर नंबर्स के क्यूब में क्या करना है, हम पहले एग्जांपल लेकर देखते हैं 22 का क्यूब। दोनों नंबर चूंकि सिमिलर है, हम 2 का कर देंगे क्यूब 4 टाइम्स, मींस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो उस 8 को हम लिख देंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 और ये 4। अगेन फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देंगे, इन दोनों नंबर्स का डबल कर देंगे, 8 का 16, यहाँ भी 16, अगेन हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो 8 एज इट इज आ जाएगा, 16 और 8 हो जाएगा 24, का 2 कैरी हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 16 26, का 2 यहाँ पर, 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, तो 10648 आपका हो जाएगा 22 का क्यूब। एक नंबर और लेकर देख लेते हैं,
जैसे 33, 33 का क्यूब निकालना अगर, तो सेम नंबर दोनों, 3 का हम क्यूब कर देंगे 4 टाइम्स, तो 3 का क्यूब 27, तो 1, 2, 3 और ये 4। अगेन हमको फर्स्ट टू लास्ट हमको छोड़ देना है, दोनों नंबर्स का कर देना है डबल, तो 27 का डबल हो जाएगा 54, यहाँ पर भी 54। अब अगेन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ पर 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा, 27 और 2 हो जाएगा 9, 29, 29 और 4 हो जाएगा आपका 33, 33 में आप 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 83, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, 35 प्लस 4 हो जाएगा 39, 39 में 50 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 89, का 9 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 27 और 8 हो जाएगा आपका 35, तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स के केस में हमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 23 का क्यूब अगर निकालना है तो हम फर्स्ट नंबर का हम क्यूब कर देंगे आगे, सेकेंड नंबर का क्यूब कर देंगे सबसे पीछे, अब पहले नंबर का स्क्वायर करके इस नंबर में इंटू, देन सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले में इंटू, मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 9 टू हो जाएगा आपका 18, फिर सेम प्रोसेस फर्स्ट और लास्ट को हम छोड़ देंगे, 12 का डबल कर देंगे 24, 18 का डबल कर देंगे हम 36 और इन्हें ऐड कर देंगे, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, अगेन 2 कैरी चला जाएगा, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, 20 प्लस 36 हो जाएगा आपका 56, का 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएगा आपका 21, 21 में 20 हो जाएगा आपका 41, का 1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, तो फाइनल आंसर 12167। एक नंबर और लेकर देख लेते हैं हम, लेट्स से 34 का क्यूब, अगेन फर्स्ट नंबर का क्यूब हम कर देंगे यहाँ पर, सेकेंड नंबर का क्यूब कर देंगे हम सबसे पीछे, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, अगेन 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम छोड़ देंगे, सेकेंड और थर्ड का हम डबल कर देंगे, 36 का डबल 72, 48 का डबल 96, अगेन हम ऐड कर देंगे दोनों नंबर्स को, तो 4 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, 6 को कैरी दे देंगे, 48 प्लस 6 हो जाएगा आपका 54, 54 प्लस 6 हो जाएगा आपका 60, 60 प्लस 90 150, का 0 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, अगर हम इन्हें ऐड करें 36 प्लस 5 हो जाएगा आपका 41, 41 प्लस 10 हो जाएगा 51, 51 प्लस 2 53, 53 प्लस 70 हो जाएगा आपका 123, का 3 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 27 और 12 को आप ऐड करेंगे 27 और 2 हो जाएगा 29, 29 और 10 हो जाएगा आपका 39, तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपको यूं ही मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।